खरी खरी पाय शिखा, एक कहानी दिल से। मिसेस सिन्हा एक जाना पहचाना नाम, एक समाज सेविका जो जानी जाती हैं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए, बाल शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाती हैं। किसी भी विभाग के लोग हों मिसेस सिन्हा को जानते हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग हों या फिर राजनीति से, या फिर उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिर सेलिब्रिटी। हर तरफ मिसेस सिन्हा की पहचान है बाल अधिकारों के लिए काम करने के लिए। बाल विकास विभाग के अधिकारी तो मिसेस सिन्हा का बहुत ही आदर करते हैं और हर त्यौहार पर उनके घर तोहफे भी पहुंचाते हैं। मिसेस सिन्हा उस सदस्यों के दल में शामिल है जो समय समय पर अनाथालय से ये जानकारी लेने जाते हैं कि क्या वहाँ बच्चों की स्थिति ठीक है, बच्चे सही स्थिति में रह रहे हैं या उन्हें किसी भी तरह की परेशानी है। रिपोर्ट्स देने में मिसेस सिन्हा का नाम भी शामिल रहता है उस सदस्य दल में। आज मिसेस सिन्हा के घर पर अलग अलग विभाग के अधिकारी आए हुए थे और उसकी वजह थी ये कि आज दिन के समय एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने वाली थी और उसके लिए मिसेस सिन्हा को कुछ जानकारी इकट्ठी करनी थी जो उन्हें देनी थी राज्य से संबंधित, और इसके लिए ही अलग अलग विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर पर एकत्रित थे। चर्चा चल रही थी, इसी बीच मिसेस सिन्हा ने एक आवाज़ लगाई, अरे महेंद्र जल्दी से सबके लिए चाय लेकर आ और साथ में नाश्ता लाना मत भूलना। 6-7 मिनट हुए होंगे कि एक 6-7 साल का बच्चा अपने हाथ में ट्रे लेकर आता है जिसमें नाश्ता होता है, उसे रखता है और वापस चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद वही बच्चा वापस से आता है अपने नन्हे नन्हे हाथों में एक ट्रे थामे जिसमें कप होते हैं और उनमें चाय होती है। वो सबके लिए महंगी कांच की टेबल पर चाय रख देता है, पर पता नहीं क्यों वो कुछ डरा सा था, सहमा सा था और घबराया हुआ भी था। मिसेस सिन्हा की चाय रखते वक्त उसके हाथ कांप जाते हैं और कुछ बूंदें छलक कर उस कांच की टेबल पर गिर जाती हैं चाय की, और ये देखते ही मिसेस सिन्हा सब कुछ भूल जाती हैं और एक जोरदार थप्पड़ महेंद्र के गाल पर आता है। महेंद्र रो भी नहीं पाता है और उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, सुबकने लगता है। वो जानता था कि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ बाहर आई तो उसके दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ पड़ेगा। मिसेस सिन्हा गुस्से में उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुझसे एक भी काम नहीं हो पाता है ठीक से, तुझे रखती हूँ, इतना खिलाती पिलाती हूँ, सारा दिमाग खराब कर दिया। बाल विकास विभाग के अधिकारी भी गुस्से में आ जाते हैं और तमतमाते हुए कहते हैं, मैडम इन लोगों की तो यही काम है, इन्हें संभालना आसान थोड़ी होता है, इन्हें आपने रख के इतना एहसान किया और एक काम ठीक से नहीं कर पाता है। वहीं बैठे दूसरे अधिकारी कहते हैं, चल अब जाए यहाँ से, क्या हमारे नाश्ते पर नज़र लगाएगा। और वो मासूम सा बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए सुपकता सा चला जाता है। और इसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरीके से पालकों के शोषण को रोका जाए, किस तरीके से बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और जितने भी अत्याचार आजकल बच्चों पर हो रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से काम हैं जो अब तक किए गए हैं, और चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। वहीं एक मासूम अपनी आंखों में आंसू लिए दर्द से तड़पता हुआ अपने दिल का दर्द किसी को नहीं कह पाता है। खरी खरी पाय शिखा।